तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी भाई गुलफाम अली राजी में। पॉलिटी का सेशन है और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो बिना समय गंवाए चलिए आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 55 तक बात हो गई है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय गुप्त मतदान प्रणाली, राष्ट्रपति चुनाव का तरीका। ये पिछले सेशन में आप लोगों से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति इलेक्शन में कोटा सिस्टम क्या होता है। राष्ट्रपति इलेक्शन में कोटा सिस्टम क्या होता है सोनू? के राष्ट्रपति के इलेक्टोरल बोर्ड में, मान लीजिए आप किसी नगर पालिका में, उन नगर पालिका में टोटल वोट कितने हैं? 20,000। सपोज 20,000 वोट हैं टोटल। तो अब नगर पालिका में जितने भी इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ जो है राष्ट्रपति चुनाव के अलावा अगर अन्य चुनावों में हम देखें तो हमारे यहाँ जो चुनाव प्रणाली है, बहुत से देशों में इलेक्शन प्रणाली जो है वो है कि रेस में पहले, सबसे पहले टच लाइन या फिनिश लाइन या खंभा कौन छूले होता है ना। भाई 10 लोग दौड़ रहे हैं, 100 मीटर रेस है, तो विनर कौन होगा? जो सबसे पहले वहाँ पर पहुँच गया, वो चाहे 1 घंटे में पहुँचे, विनर वो होगा वो जो फिनिश लाइन पे सबसे पहले पहुंच गया, वो विनर हो गया। उसी हिसाब से सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह चलते हैं। तो उसी तरह से हमारे यहाँ का इलेक्शन सिस्टम क्या है कि मान लीजिए 100 वोट्स हैं, मान लीजिए एक छोटा सा वार्ड मेंबर का इलेक्शन हो रहा है, 100 वोट हैं, और कैंडिडेट खड़े हैं 10 कैंडिडेट खड़े हैं, किसी को 6 मिले, किसी को 7 मिले, किसी को 8, किसी को 9, किसी को मिल गए 15 वोट। जिसको 15 वोट मिले वो जीत गया, वो चुनाव जीत गया। टोटल वोट कितने थे? 100, और जो जीता उसे कितने वोट मिले? 15, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। 85 लोग ऐसे हैं जो उसे पसंद नहीं करते, लेकिन वो जीत गया। हमारे यहाँ के सिस्टम यही है भाई, टोटल 100 वोट थे, जीतने वाले को मिले 15 वोट, ये 25 मान लो 25 वोट वाला जीत गया, क्योंकि अन्य किसी को 25 से ज़्यादा वोट मिले नहीं। लेकिन आप ये देखें ना कि 75 लोग ऐसे हैं जो उसे पसंद नहीं करते, लेकिन अब वो सभी का रिप्रेजेंटेटिव है, सभी का प्रतिनिधि वो है। जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुए तो आपके यहाँ से एक जो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, अब किसी भी कैंडिडेट को, मान लीजिए हमारे यहाँ टोटल कितने वोट हैं, सपोज 15 लाख वोट हैं हमारे यहाँ नैनीताल उधम सिंह नगर में, फॉर एग्जांपल है ना, 15 लाख से तो ज़्यादा होंगे, चलो जितने भी होंगे 15 लाख वोट हैं। अब जीतने वाले को 5 लाख वोट बिट गए, एक को मिले 5 लाख, दूसरे को 4 लाख, तीसरे को 3 लाख, 2 लाख, इस तरह से सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले? 5 लाख मिल गए, किसी को भी मिले है ना, वो जीत गया। लेकिन आप देखें कि 15 लाख में से उसे मिले वोट 5 लाख, 10 लाख लोगों ने तो उसे पसंद नहीं किया ना, भले किसी को वोट दिया लेकिन उसको वोट नहीं दिया, लेकिन साहब सबसे ज़्यादा वोट उसको मिले इसलिए वो जीत गया। इसे कहते हैं फिनिश लाइन को पहले टच कर लेना या पहले खंभा पा लेना। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव में टोटल 20 लाख वोट हैं, टोटल जो वोटों की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 20 लाख, इससे कहीं ज़्यादा होती है लेकिन मैं 20 लाख मान लेता हूँ। तो राष्ट्रपति चुनाव में कोटा का मतलब यह है कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीता हुआ माना जाएगा जिसे टोटल वोट का आधे से एक ज़्यादा मिले, 50% से एक ज़्यादा मिले, इसे कहते हैं राष्ट्रपति चुनाव में कोटा पाना। ठीक है, तो जैसे 20 लाख टोटल वोट है तो अब जीतेगा वो जिसे कम से कम 10 लाख एक वोट मिले। अब मान लीजिए 6-7 कैंडिडेट हैं, अब जब आमने सामने की फाइट होती है तो जाहिर सी बात है किसी एक को तो 50% से ज़्यादा वोट मिलेंगे ना। जब दो ही लोगों के बीच में चुनाव होता है या 3-4 लोग और भी हैं लेकिन उन्हें कोई वोट देता नहीं, बस नाम के लिए खड़े हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके सामने आमने सामने की फाइट होगी, कोई एक तो ऐसा होगा जिसे 50% से ज़्यादा वोट मिलेंगे तो उसने कोटा पा लिया, वो जीत गया। लेकिन अगर 4 या 5 कैंडिडेट हो जाए और ज़्यादातर कद्दावर हो जाए, यानी कि रेस में शामिल हों, तो ऐसे में हो जाता है कि किसी को 50% वोट ना मिले, तो अब क्या होगा? अब ये होगा, अभी आगे बताएंगे ना। लेकिन कोटा सिस्टम का मतलब क्या है कि कुल वोट का आधे से एक अधिक वोट मिलना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर बात आती है व्हिप। क्या राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी होता है? अब तबस्सुम राबी आपको तो पता ही है व्हिप क्या होता है। अब हमारे सामने बैठे हैं मनोज जी आप नए हो तो ये बताओ व्हिप क्या होता है। WHIP व्हिप, हिंदी में व्हिप ऐसे लिखेंगे और शुद्ध हिंदी में इसको क्या कहते हैं तबस्सुम? व्हिप को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे वाह शाबाश, देखो मैंने कहा था ना तो आपको तो पता ही है, सचेतक, सचेत करना या सचेतक, इसको कहते हैं हम लोग व्हिप। तो व्हिप क्या होता है बेटे, घर से जाते हैं ना, जैसे वोट डालने जाते हैं ना, घर से वोट डालने हम लोग जब होते हैं ना, पहले दूसरी बार वोट डाल रहे हैं तो मम्मी पापा कह के भेजते हैं उसको वोट देना, बार बार कह के ध्यान रखना उसको वोट देना है ना। कई बार पीछे भी लगे रहते हैं, मम्मियाँ लगी रहती है ना पीछे, उन्हें पता भाई बेटी या बेटा बगावती हैं, जिनको हम कह रहे हैं उनको वोट ही नहीं देंगे, तो पीछे लगे रहते हैं उनको देना, हाँ उनको देना। अब खुदा ना खास्ता आपने उनको ना किसी और को वोट दे दिया, अब घर आए घर वालों को पता चल गया कि आपने बगावत कर दी, तो भाई साहब 2 दिन आपको ढंग से खाना नहीं मिलेगा, उससे ही लो जिसको वोट दिया। क्यों? क्योंकि आप उनके खिलाफ चले गए, चले गए नहीं चले गए उनके खिलाफ
है ना। तो हालांकि घरों में विप जारी होते नहीं है, लेकिन घरों में सख्त हिदायतें दी जाती हैं पत्नियों की। तो खास करके हमारे जो ग्रामीण परिवेश है उसमें पत्नियों की हालत तो बुरी होती है, बाहर जाती हैं, हैं जी किसे देना वोट, हैं जी किसे देना वोट, तो वो बताते हैं उसको देना, हाँ चलो दे देंगे भैया। अगर उसने किसी और को दे दिया तो फिर उसकी खैर नहीं है। इसी तरह से जो होता है राष्ट्रपति चुनाव में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या व्हिप जारी होता है, नहीं होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है। तो बात करते हैं व्हिप, जैसे मान लीजिए राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, या राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी होता है क्या, राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी होता है, नहीं होता है ना। हाँ अभी बताऊंगा, अभी देखा था ना आपने राज्यसभा चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी तो नहीं होता है, लेकिन आपकी पार्टी का एक ऑथराइज्ड मेंबर बैठा जरूर रहेगा। वोट डालने के बाद आपने अपना उसको वोट दिखाना है। जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी, ये बीएसपी, ये समाजवादी पार्टी और ये बीजेपी के लोग बैठे हैं, राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी वोट पड़ रहे हैं या किसी राज्य की विधानसभा में वोट पड़ रहे हैं, तो पार्टी का एक ऑथराइज्ड मेंबर बैठा रहेगा। आप मान लीजिए बीएसपी गए तो बीएसपी का एमएलए वोट डालना है, आपको पता ही राज्यसभा चुनाव में एमएलए वोट देते हैं, एमएलए वोट डाला, उसने बैलेट बॉक्स में अपना वोट डाल दिया, उसके बाद वो वोट अपना दिखाएगा कि उसी को दिया है नहीं दिया है। अब पार्टी को पता चल जाता है कि भाई हमने जिस कैंडिडेट के लिए आपको वोट देने को कहा था आपने उसको दिया या नहीं दिया। अगर वो कैंडिडेट, ध्यान रखना बातें निकल जाती है ना, राज्यसभा चुनाव में आपको पता ही राज्यसभा का चुनाव हो उसमें एमएलए वोट देते हैं, अगर आपने पार्टी लाइन से अलग जा करके पार्टी ने जिसको कहा है कि उसको वोट देना उससे अलग जा करके आपने वोट दे दिया, तो ये संविधान और कानून की नज़र में कोई पाप नहीं है राज्यसभा चुनाव में, लेकिन पार्टी के रडार पर आप लोग आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पार्टी से आपने बगावत कर दी है, पार्टी आपको निकाल देती है, आमतौर पर ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा करने से पहले आप अपना अगला जो पैर है वो मजबूत कर लेते हैं, आगे सेटिंग कर लेते हैं कि अभी अगली बार भी विधानसभा का चुनाव लड़ना है। भाई आप एमएलए हैं और आप पार्टी से खिलाफ जाकर के किसी दूसरी पार्टी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, तो यही सी बात है, आप अपनी पार्टी में अपनी जगह तो खो ही रहे ना, तो उससे बचने के लिए आप पहले ही आगे जो है वादा अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा, जो दूसरी पार्टियां आपको लेके आ रही है ना, चाहे जैसे भी, आप प्रेम भाव से ही उनके साथ चले गए, आपके भाई का नाम ही प्रेम है ना, हाँ प्रेम भाई, प्रेम भाई, देखिए पार्टनरशिप देखी उन्होंने, हाँ कितनी बार देखी है, एक ही बार देखी, प्रेम भाई, प्रेम भाई है ना, हाँ। गोविंदा साहब छा गए थे उसमें सलमान खान पे, खैर कहाँ थे, कहाँ थे प्रेम भाई से पहले, कहाँ थे, हाँ प्रेम भाव, आप प्रेम भाव से चले गए दूसरी पार्टी में, या आपने कोई प्रलोभन पाया तो चले गए, जैसे भी हैं। अच्छा, जब आप एक पार्टी छोड़ करके ना दूसरी पार्टी में आ रही हैं, तो दूसरी पार्टी जो है आपका पूरा ख्याल रखती है, ताकि ये नज़ीर बने कि देखो भाई अगर आप तो किसी दूसरी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आओगे तो तुम्हारा भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पार्टी से अपनी बगावत भी कर दी, दूसरी पार्टी में आप गए, दूसरी पार्टी ने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया, तो जल्दी से अब आपकी पार्टी में कोई आएगा नहीं। तो ये राजनीति में ये अनदेखी अनकही जो हैं परंपराएं हैं, रिवायतें हैं, जैसे आप देखते हैं ना जो हमारे घर में पैट होते हैं, कुत्ते बिल्ली, क्या उनके कोई नाम होते हैं क्या, टॉनी, मॉमी, नोनू, नोनू, उनके उन्हें ये थोड़ी पता है नाम, एक साउंड निकालते हैं हम। जैसे मेरा जो पैट है उसका कोई नाम ही नहीं है, उसका नाम है चीज, ले चीज ले, उसका नाम है ले चीज ले, उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम है ले चीज ले, ध्यान सुनना, उसका नाम है ले चीज ले। तो जैसे ही मुंह से निकलती है ले, वो तुरंत दौड़ा चला आता, तुरंत दौड़ा चला आता, उसे पता कुछ खाने को मिलेगा। अब इसको देखा तो पड़ोसियों के जो बच्चे हैं ना उसको बुलाने के लिए, बड़ा प्यारा सा पैट है वो दिन भर करते रहते हैं ले चीज ले, ले चीज ले, ले चीज ले, लेकिन वो साउंड मैच नहीं हो रही, वो उनके तरफ को ध्यान नहीं देता, देते क्या कह रहे हैं यार, उसे पता है ना यहाँ से कुछ खाने को मिलेगा नहीं, ना वो साउंड मैच होती है, तो उनकी तरफ को ध्यान नहीं देता। लेकिन जैसे ही कोई घर वाला उससे कहेगा ना ले, जैसे कहेगा ले चीज, तो बात की बात है ले, तो एकदम दौड़ा चला आता, क्योंकि उसे भरोसा है, उसे क्या है, भरोसा है कि जैसे ये साउंड निकलेगी मुझे खाने को मिलेगा। अगर उसे ले लेकर के तीन चार बार उसको चीज ना दें तो वो अपना नाम भूल जाएगा ना, छोड़ो धोखा देते हो मैं नहीं आता। उसी तरह से अगर भैया पार्टी में कोई छोड़ के आ गया और तुम उसका वेलकम नहीं करोगे तो अगला कौन आएगा तुम्हारी पार्टी में। खैर, तो व्हिप की बात कर रहे थे, व्हिप को हिंदी में कहते हैं सचेतक। तो राज्यसभा चुनाव में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी नहीं होते हैं, लेकिन अगर हाउस में वोटिंग हो रही हो इसके अलावा, जैसे विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव है ना, या किसी बिल पर, या किसी बिल पर वोटिंग होनी है, कोई भी बिल है उस बिल पर वोटिंग होनी है, तो जो लोकसभा राज्यसभा में जो पार्टी के नेता होते हैं, पार्टी के जो नेता होते हैं, पार्टी जो है अपना एक कैंडिडेट अपॉइंट करती है, उसे कहते हैं सचेतक।
या जो व्हिप जारी करता, ये अलर्ट जारी करता, नोटिस जारी करता, या आपको बताता है कि आपने किसको वोट देना हो, किसको नहीं देना, किसकी फेवर में वोट देना हो, किसकी फेवर में वोट नहीं देना, क्या करना है, अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है ना। तो यही जो आदेश होता है एक लाइन का आदेश होता है कि इस फेवर में वोट देना है या इस फेवर में वोट नहीं देना, इसको वोट देना है या इसको वोट नहीं देना, वो एक लाइन का जो प्रस्ताव होता है, एक लाइन की जो गाइडलाइन होती है उसे कहते हैं व्हिप। तो जिन जहाँ पर वोटिंग होती है वो जिसमें व्हिप की व्यवस्था लागू है, व्हिप माने सचेतक कि यहाँ वोट देना हो यहाँ वोट नहीं देना। अगर आप व्हिप के खिलाफ जाते हैं, व्हिप के खिलाफ आप जाते हैं, पता कैसे चलेगा कि आपने वोट नहीं, आपको अपना वोट दिखाना पड़ेगा। वैलेट बॉक्स में डालने से पहले वहाँ बैठा आपका आदमी, उसको वोट दिखाना पड़ेगा कि मैं दे रहा हूँ वोट। या अगर हाथ खड़े हो रहे हैं ना, आमतौर पर जो बैलेट बॉक्स से जो वोटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा या राज्य विधानसभाओं में, वो राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव और जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं उसमें होती है, इसके अलावा तो बैलेट का कोई मतलब नहीं है। अब लोकसभा राज्यसभा या राज्यों की विधानसभाओं में जो वोटिंग होती है वो होती है हाथ खड़ा करके या आवाज़ दे करके, यस या नो, है ना। लेकिन जहाँ पर वोट गिने जाते हैं, खास करके विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव या इस तरह के जो प्रस्ताव होते हैं उसमें हाथ खड़े करे जाते हैं, उसमें गिने जाते हैं, उसमें पता चलता था भाई किसने व्हिप को माना और किसने व्हिप को नहीं माना। अगर आपने व्हिप को नहीं माना, अब आप पे लागू हो जाएगा क्या, दल बदल, माना जाएगा कि आपने दल बदल कर लिया है। तो व्हिप की बात जब दल बदल पढ़ाएंगे हम आपको ना, तो और बताएंगे। फिलहाल सिर्फ आप ये याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 56। अच्छा, ये जो कोटा सिस्टम है और व्हिप जो है ना, ये आर्टिकल 55 में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 कह रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो राष्ट्रपति पर बैठा हुआ, राष्ट्रपति पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका टेन्योर या उसका कार्यकाल या पदावधि कितनी होती है, है ना। तो उसमें सिंपल सी बात है, 4 से 5। एक्चुअली बोर्ड छोटा है ना और गरीबी का समय है, तो स्मार्ट बोर्ड हमारे पास है नहीं, है ना। तो हमारे पास लिमिटेशन है, हम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करते रहते हैं। तो इन शॉर्ट लिखा है, आप डिटेल में अपने नोट्स उसी तरह से बनाइएगा, कि राष्ट्रपति पद पर किसी व्यक्ति का इलेक्शन हो गया, ठीक है ना, किसी व्यक्ति का इलेक्शन हो गया। अच्छा, मैं एक बार इसको पढ़कर बता देता हूँ, 4 से 5 इस्तीफा, ये चलिए इसी लाइन में चलेंगे, जैसे जो जो चीज़ें मैंने लिखी है उसी हिसाब से चलेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, जैसे हमारे राष्ट्रपति कौन है इस समय, द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं, तो आज चुनाव हुआ, जीत गई, वो विजेता घोषित हो गई, लेकिन आज से ही उनका टेन्योर या आज से उनका कार्यकाल शुरू नहीं हुआ। गाँव का जो प्रधान होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, है ना। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल, ओके। तो उसी तरह से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनका कार्यकाल भी 5 साल होता है। तो आज वो जीत गई तो आज से उनका कार्यकाल शुरू नहीं होगा, जिस दिन वो चार्ज लेंगे, आमतौर पर शपथ लेने के बाद तुरंत बाद चार्ज ले लिया जाता है, जिस दिन वो चार्ज लेंगी या अपना पद संभालेंगी, तब समझ देखना कोई आंटी है, जिस दिन वो चार्ज लेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो जिस दिन वो चार्ज ले लेंगी, अपने पद पर बैठ जाएंगी, चुनेंगी आई नहीं, चुनी आज गई हैं, चार्ज जो है लिया 1 महीने बाद, तो जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद पर चार्ज ले लेगा उससे 5 साल, ठीक है ना, उससे 5 साल तक उसका कार्यकाल रहेगा। इस्तीफा, वो अपना इस्तीफा कभी भी जो है कि किसको भेजेगा, सोनू, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है, हाँ, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति का इस्तीफा मिल जाता है तो वो इसकी सूचना तुरंत देता है लोकसभा के अध्यक्ष को, ये नियम है। हालांकि अभी तक हमारे यहाँ ऐसा हुआ नहीं है कि किसी राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो या किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आया हो, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है ना, ऐसा हुआ नहीं है अभी। लेकिन यह है कि अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे, और अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, ठीक है। मैंने कहा ना स्पीकर का सूचना वगैरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 61 की महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा अगर उसे हटा दिया जाए तो। महाभियोग या इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का केवल एकमात्र तरीका है उसके खिलाफ महाभियोग लगाना। महाभियोग जो है कार्यवाही है, संसद की कार्यवाही है, और इसको आप एक तरह का मुकदमा कह सकते हैं जो राष्ट्रपति के खिलाफ चल रहा है, और अगर इस मुकदमे में राष्ट्रपति हार जाए या इस कार्यवाही में संसद ये प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, लिहाजा राष्ट्रपति को हटाया जाए, तो राष्ट्रपति का पद तुरंत खाली हो जाता है। इसको कहते हैं हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ठीक है। इसकी बात हम अलग से करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं लिखा, इसकी बात हम अलग से करेंगे। फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति को अगर महाभियोग से हटा दिया जाता है तो उसका पद जो है वो खाली हो जाएगा। आज वो उसने चार्ज लिया, कल कोई उसके खिलाफ महाभियोग आ गया तो उसे हटना पड़ेगा। अच्छा, यहीं पर एक बात याद आ गई मुझे, तौसुन, अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने हाउस में अपना विश्वास सिद्ध कर दिया है
तो अब कब तक उसके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, या कब तक आप उसे मजबूर नहीं कर सकते कि फिर से विश्वास प्रस्ताव पेश करो? राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने एक बार हाउस में अपना जो मेजोरिटी है वो प्रूव कर दिए, अब कितने समय तक के लिए बेफिक्र हो गया वो? 6 माह के लिए, है ना। एक बार अगर आप किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आते हो या उसे विश्वास प्रस्ताव रखने को कह देते हो, उसमें वो सफल हो जाता है, जीत जाता है, तो 6 महीने के लिए अब उसे कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने सरकार बनी, वो अल्पमत की सरकार थी, सरकार बनी और सरकार बनने के बाद उसने अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दी है, तो अब 6 महीने तक आप उसे मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है ना। 6 महीने तक मजबूर नहीं कर सकते कि आप विश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव लाओ। जब हम विश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे ना, तो इसके बारे में और अलग बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ लें, आपसे क्या पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रोसेस है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 61 में, ओके, ठीक है। और आर्टिकल 56 में क्या कहा गया है? ये कहा गया कि उसे आर्टिकल 61 की महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर लिखा मैंने कार्य समाप्त, बट नया चुनाव नहीं तो क्या होगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 साल का। अब हमारे यहाँ रिवाज ये है कि नए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये कब चुनी गई? 2022 में, 22 में कि 23 में, 22 में चुनी गई शायद, 22 में चुनी गई, शायद 22 में चुनी गई, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 5 साल यानी कि 2027 तक है, शायद जुलाई में इन्होंने चार्ज लिया है, शायद, इसको आप जो है कंफर्म मत करना, सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहे हैं, इसलिए शायद शायद सब जोड़ दे रहे हैं। तो शायद उन्होंने जुलाई 2022 में अपनी जो है कार्यकाल ग्रहण किया, चार्ज लिया है, तो इनका जो कार्यकाल चलेगा वो जुलाई 2027 तक चलेगा। तो अब हमारे यहाँ रिवाज ये है कि, बल्कि ये संवैधानिक मजबूरी भी है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति जो इस समय राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए, नंबर एक बात, ओके। किसी वजह से किसी भी, उसने कहा किसी वजह से अगर नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो पाए, किसी वजह से नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो पाए और वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया है, तो जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। अब बोले 10 साल ना हो, 20 साल ना हो, 50 साल ना हो, इसके बारे में कोई शर्त, कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है कि वर्तमान राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, ठीक है। और कब हो जाना चाहिए? उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए, ओके। और अगर ना हुआ तो भैया इसमें यह है कि वर्तमान राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, ओके। इसमें ऐसा नहीं है कि अभी उपराष्ट्रपति को कार्यभार सौंप दो, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो आर्टिकल 57 कह रहा है कि अगर कोई वर्तमान राष्ट्रपति है फिर से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके फिर से चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। जैसे रूस, चीन और अमेरिका के जो संविधान हैं, अब रूस चीन के संविधान में तो काफ़ी छेड़छाड़ हो गई है, तो अमेरिकी संविधान में ये है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं हो सकता, 2 वर्ष से ज़्यादा किसी स्टेट का गवर्नर नहीं हो सकता। वो इसलिए बनाया गया कि वही कोई पद का दुरुपयोग ना करने लगे। भाई देखो, आप 10 साल मान लीजिए, आप 8 साल राष्ट्रपति रहे, कितने साल? 8 साल आप राष्ट्रपति रहे। अब हर कोई तो राष्ट्रपति बन नहीं सकता, लेकिन अगर आप 8 साल राष्ट्रपति रहे या 8 साल प्रधानमंत्री रहे या 8 या 10 साल किसी स्टेट के सीएम रहे, तो बहुत सारी नियुक्तियाँ होती हैं जो आपके सिग्नेचर से होती हैं, बहुत सारे प्रमोशन ऐसे होते हैं जो आपके सिग्नेचर से होते हैं। तो आपने क्या किया कि पूरे देश भर में, अमेरिका में ऐसा एक बार हो चुका है, पूरे देश में भर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट हैं जो देश को चलाती हैं, जो देश पर पकड़ मजबूत रखती हैं, सेना की, पुलिस की, आम प्रशासन के, उन जो महत्वपूर्ण पद हैं ना, उन पर आपने धीरे 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 अपने वफादार बिठा दिए। अब कौन हटाएगा आपको? पजला, आप तो तानाशाह हो गए। अच्छा, जिन लोगों ने आपकी तानाशाही पर रोक लगानी थी वो आपके एहसान मंद हैं, अब क्या होगा, अब जनता क्या करेगी? तो अमेरिका और इससे पहले रूस और चीन के संविधान में ये व्यवस्था थी कि कोई व्यक्ति 2 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। हमारे देश में ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, इसके अलावा राष्ट्रपति भी कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जैसे आर्टिकल 57 जो लिखा है ना, सीधी सीधी एक लाइन लिखी है कि राष्ट्रपति को फिर से चुने जाने पर रोक नहीं है या फिर से इलेक्शन लड़ने पर रोक नहीं है, ठीक है, ओके। अब आर्टिकल 58 आता है, तो मैंने यहाँ 2 स्टार बना रखे हैं, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं शायद ना, हाँ। अच्छा, किसी ने मुझे ध्यान नहीं दिलाया कि इसमें से एक लाइट जो है वो ऑन मैंने नहीं की है ना, तुम लोग भी मेरे जैसे हो गए, एक बार पढ़ते पढ़ते खो गए तो खो गए, कोई बात नहीं, ठीक है।
अब आर्टिकल 58 है, 58 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए योग्यता क्या होगी, है ना। तो इसकी बात करते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।